चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित का छोटा जादुई धमाका, जी हाँ, गणित में कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिसको अगर आप किसी छोटे क्लास के बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे तो बच्चों को मजा भी आएगा और खेल खेल में वो गणित के जादुई ट्रिक को सीख पाएंगे। मतलब खेल खेल में ही उसको जोड़ना, घटाना, गुना और भाग को सिखा सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही मैं आज आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं जिसमें हम बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस बच्चों को कहेंगे, जैसे हम क्लास में एंटर करेंगे, है ना, अगर हम किसी कक्षा पांचवी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कक्षा छठवीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या मिडिल कक्षा तक के बच्चे, जो बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं, और कक्षा में घुसते ही हम बच्चों को ये ना कहें कि चलो बच्चों पुस्तक खोलो, आज मैं आपको गणित पढ़ाने वाला हूं। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। आपको क्या कहना है, चलो बच्चों आज मैं आपको जादू सिखाता हूं। और चूंकि आप तो गणित के टीचर हैं तो बच्चे तो समझ गए हैं, लेकिन वो ये भी जान जाएगा कि सर जो है कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। तो आपको ऐसे ही बोलना है कि आज मैं आपको जादू सिखाने वाला हूं। अब बच्चा जो है थोड़ा क्या हो जाएगा, असमंजस में हो जाएगा, या फिर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ऐसे कैसे जादू सिखाएगा। तो सिंपल सा है भाई, कोई भी जादू ट्रिक नहीं है गणित में। देखिए, कोई भी जादू ट्रिक नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। आप किसी क्लास में गए, जैसे आप कोई भी संख्या सोचिए, कोई एक संख्या आपको सोचना है भाई, कोई भी संख्या आप सोच लीजिएगा। मान लीजिए आपने 5 सोचा, आप कोई भी सोच सकते हैं, आप 2 भी सोच सकते हैं, कोई भी संख्या सोच सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कोई भी एक अंकों का, 2 अंकों का या फिर 3 अंकों का, लेकिन भाई चूंकि आप छोटे क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं और इस खेल के माध्यम से गणित भी सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से आप 1 अंकों की या फिर 2 अंकों की संख्या सोचिए जिसको आसानी से जोड़ा जा सके। अब इसको कक्षा के अनुरूप ये संख्या आप ले सकते हैं। अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को सिखा रहे हैं तो छोटी संख्या लेंगे, मिडिल स्कूल के बच्चे को सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा संख्या बड़ा कर देंगे। और चूंकि ये मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप तो कोई भी संख्या सोच सकते हैं। आप अपने मन में कुछ भी संख्या सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए 369, आप इस प्रकार के कोई भी संख्या सोचते हैं। हाँ, इससे मुझे याद आया कि मैं 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर विशेष वीडियो बना रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, 369 और अंकों का जादू। जी हाँ दोस्तों, अंकों का रहस्य, ये मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा हमारे चैनल के, आपको गणित के ढेर सारे ऐसे ट्रिक मिलेंगे जो आपको जादू जैसा लगेगा, और उसको जरूर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उसके लिए आपको अपना हमारे जो चैनल है ना उसका प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चलिए, अब मान लीजिए आपने कोई भी संख्या सोचा। अब मान लीजिए मैं छोटे उदाहरण से बता रहा हूं ताकि आप इसको छोटे क्लास के बच्चों को करा सके। जैसे 5 अगर कोई लेता है तो आपको क्या करना है, लगातार 5 संख्या लेना है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें 3 संख्या लेकर भी बता सकते हैं, 7 संख्या लेकर बता सकते हैं, मतलब विषम संख्या लेना है, ठीक है। आप किसी क्लास में जा रहे हो तो आपको फिक्स पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ ये जो ट्रिक कर रहा हूं ना, उसके लिए ये फिक्स है कि आपको लगातार 5 संख्या सोचना है, तभी मैं इसका उत्तर बता पाऊंगा, ठीक है। हालांकि इस ट्रिक का उपयोग आप 3 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए, 5 अंकों के लिए, 7 अंकों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे आपके सवालों का जवाब देना है ना, तो आपको 5 लगातार संख्या सोचना है। जैसे 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 9 हो गया, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये लगातार 5 संख्या है ऐसे। अब देखिए, ये तो मैंने लिखा है, आपको क्या करना है, आप कोई भी लगातार इस प्रकार के 5 संख्या लिखिए और उन संख्याओं को जोड़िए। अब मुझे कैसे पता रहेगा भाई कि आपने कौन कौन से इस प्रकार के 5 संख्याओं को जोड़ा है, तो आप कोई भी 5 संख्या सोचिए और उनको जोड़िए। इसका आंसर जो भी आएगा, योग जो भी आएगा, उसको आप लोग मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से वो 5 संख्या सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आपने कौन कौन से 5 संख्या सोचा था ये मैं आपको बता दूंगा, और ये ट्रिक आप भी कर सकते हैं, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहां पर जैसे हमने 5, 6, 7, 8 और 9 लिया है, लगातार 5 संख्या लिया है, चाहे तो आप यहां पर 5 प्लस 6 प्लस 7, मतलब 3 संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन इसके उत्तर देने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो आप लोग मुझे 5 संख्या लिखकर ही और उनका योग करके ही आप लोग मुझे क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, तभी मैं आपको उत्तर बता पाऊंगा। और मैं आपको दोनों तरीका सिखाने वाला हूं कि कोई कितना संख्या ले रहा है ना, तो उसका उत्तर कैसे देंगे। मान ले जाए यहां पर मुझे उत्तर देना है, ठीक है, 5 संख्या का। आपने कोई 5 संख्या सोचा होगा और उसका उत्तर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया होगा। उदाहरण के लिए देखिए, 5, 6, 7, 8 और 9, इसका अगर मैं योग करूंगा ना, तो आप योग करके देख लीजिएगा इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा। निश्चित रूप से यहां पर इसका उत्तर आएगा 35, ठीक है, ये 35 आएगा।
अब ये जो 35 आ रहा है ना, आपको क्या करना है, जो भी योग आएगा बहुत ही सिंपल सा गणित का प्रयोग हम कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को हम खेल खेल में ही जोड़ना घटाना औसत निकालना ये सब सिखा सकते हैं। तो यहां पर जो योग आया है हमें क्या करना है, आपने तो केवल हमें योग भेजा है, मैं आपका उत्तर कहे जाना होगा कि आपने 5, 6, 7, 8 या 9 सोचा था, है ना, क्योंकि आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया, आपने तो मुझे योग बताया है 35। तो भाई वो 35 क्या इन्हीं संख्याओं को जोड़ने से आता है, और भी अन्य संख्या जिन पांच संख्याओं को जोड़ने पर हमारा उत्तर जो है 35 आएगा। लेकिन इसमें जो कंडीशन डाला गया है, कंडीशन कौन सा, लगातार, ये जो कंडीशन दिख रहा है ना, लगातार आपको पांच संख्या लेना है, कहीं से भी नहीं लेना है। तो उसी में ये जो लगातार जो संख्या दिख रहा है ना, इसी में इसका ट्रिक छुपा हुआ है। अब जब भी आप लगातार संख्या लेंगे ना, तो आप कितना संख्या लेंगे, मान ले जाए आपने यहां पर कितना संख्या लिया, 5, तो आप जितना संख्या लेंगे है ना, उसको क्या करना है, जितना संख्या ले रहे हैं उससे आपको भाग दे देना है योग को। जैसे आपने कोई भी संख्या सोचा होगा, आप चाहे तो 2 अंकों का, 3 अंकों का, कितने भी अंकों का संख्या सोच सकते हैं, बस वो संख्या लगातार होना चाहिए। उन संख्याओं का योग अगर आप मुझे भेजते हो तो वो पांचों संख्या कौन कौन सा है मैं बता दूंगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, अगर 5 संख्या सोच रहे हैं तो 5 से भाग देंगे। अगर 3 संख्या होता, मान लिया जाए वो लगातार 3 संख्या यहां से लेता या यहां से लेता, चलो मान लिया जाए कोई जो है 7, 8 और 9, इस प्रकार 3 संख्या लेता है और इसका योग मुझे भेजता है, ठीक है। अब इसका योग भेजेगा तो मैं इसका उत्तर बता दूंगा। मान लिया इसका उत्तर कितना आता है, 24 आता है। तो उसने कौन कौन सी संख्या सोचा रहा होगा, तो देखिए अगर वो 5 संख्या सोचेगा तो 5 से भाग देंगे, 5 7 35। अगर वो 3 संख्या सोचेगा तो 3 से भाग देंगे, 3 8 24, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे कि उसने कौन कौन सा संख्या सोचा है, भाई आपको तो पता है कि उसने या तो 5 संख्या या 7 संख्या या 3 संख्या विषम संख्या सोचा होगा, और वो भी लगातार संख्या है। भाई जब विषम संख्या है, लगातार संख्या है, तो हमें उसका बीच का संख्या निकालना है। तो बीच का संख्या बहुत आसानी से निकल जाता है, इधर 2 संख्या और इधर 2 संख्या, बीच की संख्या ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। और आपने योग भेजा था, हमें औसत निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, 5 से भाग दिया। अब ये बीच की संख्या है, तो बीच की संख्या है तो दोनों साइड हमने एक एक संख्या लिखा, एक कम करा एक ज्यादा करा, फिर यहां पर फिर एक कम करा और यहां पर फिर एक ज्यादा करा, ये देखिए लगातार संख्या आ गया। यहां पर अगर 8 आया था तो 1 कम करेंगे मतलब 7, 1 अधिक करेंगे मतलब 9। तो आप देख सकते हो आपके प्रश्नों का जवाब आपके सामने ही है। तो ये छोटा सा गणित का जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक का प्रयोग करके आप कक्षा छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक के बच्चों को गणित को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को कैसे पेश करते हैं। आप पूरा गोल गोल है ना, बहुत ही शानदार तरीके से जितना अच्छा आप प्रस्तुत करेंगे बच्चे इतने ही ज्यादा खुश होंगे। तो निश्चित रूप से छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत ही यूनिक लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।